अपना पक्ष रखा। इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पूर्व माननीय खंडपीठ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात की। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से आदिवासियों की घटती आबादी और डेमोग्राफी में बदलाव से जुड़ी दानियल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। फर्स्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पूर्व माननीय खंडपीठ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात की। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पूर्व माननीय खंडपीठ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात की। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पूर्व माननीय खंडपीठ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात की। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पूर्व माननीय खंडपीठ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात की। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पूर्व माननीय खंडपीठ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात की।